दीपावली का पर्व आ रहा है जैसे कि आप सबको मालूम है, तो उसमें हमने 12 जगह चिन्हित करी है शिमला शहर के अंदर। उसमें प्राइमरीली आपका जो स्केटिंग रिंक है वो एक जगह है, उसके अलावा आपका गोपाल मंदिर है बालूगंज में, फिर खलीनी बाईपास पे बैडमिंटन कोर्ट के पास समर हिल ग्राउंड वगैरह, ऐसे कुछ जगह हमने चिन्हित करी है। और इन्हीं चिन्हित स्थानों पर ही केवल पटाखों की बिक्री होगी। अन्य स्थानों पर अगर कोई पटाखों की बिक्री करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो पटाखे जो बेचने वाले हैं उनके लिए हमने स्थान चिन्हित किया है, और उसके उन चिन्हित स्थानों के अलावा कहीं भी और जो है पटाखों की बिक्री अलाउड नहीं करी जाएगी। इसके अलावा हमने फायर डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए हैं कि वो अलर्ट पे रहें, और कोई भी और लोगों से भी हम ये अपील करते हैं कि वो पटाखे जो है खुले स्थानों पर जलाएं ताकि आगजनी की कोई भी घटना ना हो। जी, हमने अपनी प्रशासन की तरफ से हमने सभी लोगों से ये अपील करी थी कि पटाखे जितने कम हो उतने जितना कम हो सके उतना कम जलाएं, क्योंकि उससे पटाखों से जो है जो धुआं निकलता है उसमें काफ़ी जहरीली गैसेस होती है, जिससे कोविड के केसेस में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। तो इसलिए जिला प्रशासन जो है वो लोगों से ये अपील करता है कि लोग स्वयं ही जो है कम खरीदें और कम जलाएं पटाखों को। या तो रखे साया अभिमान। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कितनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा, माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का माड़, या फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए। बताओ ना, क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाए, पेट पूजा की घड़ी आए,